गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट स्टार्ट करूंगी सूरदास जी का। सूरदास जी के पद सेकंड स्टार्ट करते हैं। मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कहीं अवधि, आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश नहीं, सुन सुन बिरहीन बिरह दही, चाहत होती गुहार जितही ते, उतते धार वही, सूरदास अब धीर धरे, क्यों मर जादा न लही। तो सबसे पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ इसके, माझ माने मैं या अंदर, अवधि माने समय, आधार माने आधार, आस का अर्थ होता आशा, आवन की यानी आने की, विधा माने दुख, जोग यानी योग, विरह माने वियोग बिछड़न, दही माने जली, हुती माने थी, गुहारी माने रक्षा के लिए पुकारना, जितही ते माने जहाँ से, उत ते माने वहाँ से, धार माने योग्य की धारा, धीर धीरज यानी धैर्य, धरही माने रखे, क्यों माने कैसे, मर्यादा माने मर्यादा, लही माने नहीं रही। तो सबसे पहले मैं इसका अर्थ बताऊंगी। अब पहली फर्स्ट लाइन का, मन की मन ही माज रही, बिरहा व्यथित, यानी यहाँ श्री कृष्ण के वियोग में गोपियाँ कृष्ण के मित्र जो उद्धव हैं उनको उलाहना देती हैं, उनसे शिकायत करती हैं, हे उद्धव हमारे मन की प्रेम की भावना मन की मन में ही रह गई है। ये फर्स्ट लाइन का मन की मन ही माज रही है, जो उनके मन में प्रेम श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था वो मन के मन में ही रह गया है, हमें कृष्ण से प्रेम मिला ही नहीं है, ना ही उनके उसके अभाव में हम अपनी भावना किसी से कह सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कहीं, अब तुम ही बताओ हम अपनी व्यथा अपने दुख को किससे जाकर कहें, प्रेम की पीड़ा को कहा नहीं जा सकता है, हम अब तक कृष्ण के आने की अवधि यानी जो समय था अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थे, हमें मुझे आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे, इसलिए हम अभी शांत थे, लेकिन श्री कृष्ण के न आने से उनकी व्यथा उनका दुख और बढ़ जाता है, बिथा माने व्यथा यानी दुख बढ़ जाता है। नेक्स्ट लाइन, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही, लेकिन इसी आशा से हम तन मन की जो व्यथा उनकी जो सह रही थी दुख सह रही थी अभी तक उनके ना होने से, परंतु अब उनके आने से यानी उद्धव के आने से उनके द्वारा दिया गया जो संदेश है सुन सुनकर उनकी व्यथा और अधिक और ज़्यादा बढ़ गई। तो उन्होंने कहा भी श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं, उन्होंने संदेश दिया था उद्धव ने, तो ये तो अभी तक तो उनको मन में यही थी कि श्री कृष्ण आ जाएंगे, इसी इंतज़ार में थी, लेकिन वो इंतज़ार भी ख़त्म हुआ जब उद्धव उनको आके संदेश देते हैं कि वो श्री कृष्ण अभी नहीं आएंगे, तो उनके मन की व्यथा और बढ़ जाती है। नेक्स्ट लाइन, चाहत होती गुहार जितही ते, उतते धार वही, हम बिरह की ज्वाला में, यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि बिरह की ज्वाला में जली जा रही हैं, यानी श्री कृष्ण नहीं आए उसको सोच सोच के वो मन ही मन में जल रही हैं, और आगे गोपियाँ कहती हैं ये देखो हमारा दुर्भाग्य, हम जिधर से अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी उधर से भी योग साधना की धारा बही चली आ रही है, अर्थात कहना चाहिए हम चाह रही थी, यानी गोपियाँ कहती हैं यहाँ पर कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण हमसे आकर मिलेंगे और हमारी प्रेम भावना को संतुष्ट करेंगे, यानी हमारी चाह को वो समझेंगे और हमसे आकर मिलेंगे, परंतु उन्होंने तो उल्टे हमारे लिए योग मार्ग का सिद्धांत भेज दिया, यानी उन्होंने तो हमारे लिए ये मतलब जो संदेश है योग मार्ग का सिद्धांत भेज दिया जो हमें सदा सदा के लिए कृष्ण से दूर करना चाहता है। नेक्स्ट लाइन, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा नहीं लगी, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं अब तो श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा ही तज दी हैं, तज माने त्याग दिए हैं,
उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमें धोखा दे दिया है, भला हम धैर्य कैसे धारण करें। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं हमें पूरी तरह से श्री कृष्ण ने धोखा दिया है और हम धीरज नहीं रख पा रहे हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर है, देखो साफ प्रसंग लिखने के लिए भी आता है और क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों के छांटने के लिए आते हैं जिसमें पद्यांश में से, तो मैं इसके क्वेश्चन भी बताती हूँ आपको, इसके उत्तर भी। तो क्वेश्चन फर्स्ट इसका, किसके मन में, इस पद्यांश के क्वेश्चन है, किसके मन की बात मन में रह गई और क्यों। तो किसके मन में रह गई थी, अभी आप लोगों को मैंने अर्थ बताया, उसके संबंध से आपको बताना चाहिए। तो गोपियों के मन की भावना मन के मन में रह गई, किसके मन में रह जाती है, गोपियों के मन में, ठीक है। सेकेंड, गोपियाँ क्या व्यथा सह रही थी और किसके बल पर सह रही थी। तो नेक्स्ट है, गोपियाँ मथुरा के कृष्ण के वियोग में मथुरा जब चले जाते हैं तो जाने की वो व्यथा सह रही थी, यह सोचकर व्यथा सह रही थी कि कुछ समय बाद श्री कृष्ण अवश्य लौट जाएंगे। तो सिर्फ उनको दुख, मतलब जब ही सैर कर रही थी कि उनको आशा थी, उनको इंतजार था कि श्री कृष्ण वापस आएंगे। नेक्स्ट, गोपियों की विरहाग्नि और अधिक क्यों बढ़ गई। तो योग के संदेश को सुनकर गोपियों की विरह व्यथा अधिक तीव्र हो गई। नेक्स्ट, धार वही का क्या शय है। धार वही का अर्थ है योग संदेश की धारा बह चली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियाँ धीरज धारण क्यों नहीं कर पा रही थी। गोपियाँ धीरज इसलिए नहीं धारण कर पा रही थी क्योंकि श्री कृष्ण ने उनके साथ प्रेम का धोखा दिया, वे उनसे दूर चले गए। अब नेक्स्ट हम पद्यांश से स्टार्ट करेंगे, थर्ड वाला। हमारे ही हरे हारेल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवा स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है यसो ज्यो करई ककरी, सुतो व्याथ हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूरदास सूर तिन ही ले सौंपो तिन के मन चकरी। तो कठिन शब्दों को पहले अर्थ लेंगे। हरि, हरि माने भगवान होता है और हारिल माने एक पक्षी जो सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़े रहता है, लकड़ी यानी लकड़ी। क्रम माने कर्म, नंदन यानी कृष्ण नंद का बेटा, उर माने हृदय, पकड़ी माने पकड़ी, निशी माने रात, कान काना माने कन्हैया कन्हैया, जकरी माने रटती रती, जोग माने योग संदेश, करोई माने कड़वी, सु माने वह है, व्याधि माने रोग, तिनही माने उन्हें, मन चक्री यानी मन में चक्कर या दुविधा बनी रहती थी। तो इसका मैं फर्स्ट लाइन का वाला अर्थ बताऊंगी। हमारे हरे हारेल की लकड़ी, या गोपियाँ उधों से कहती हैं, उधों हमारे लिए हर हारेल के पंजों में थामी एक लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारेल पक्षी लकड़ी को किसी हाल में नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण की दृढ़ता को थामे हुए हैं, यानी श्री कृष्ण का हमें इंतजार है कि श्री कृष्ण अवश्य आकर हमसे मिलेंगे। नेक्स्ट लाइन, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कार्य पकड़ी, हमने मन से कर्म से वचन से श्री कृष्ण को हृदय में बसा लिया है, हम जागते सोते रात दिन यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया कन्हैया का नाम रट लगाए रहती हैं, सुनत जोग लागत ऐसो ज्यो करई ककरी, हम जब तुम्हारे मुंह से योग साधना की बात सुनते हैं तो हमें तुम्हारा यह संदेश कड़वी ककड़ी के समान अरुचिका, जैसे कड़वी ककड़ी होती है तो उससे हमें अच्छी लगती है नहीं लगती है, ठीक उसी प्रकार उनका जो संदेश है, श्री कृष्ण ना आने का उन्होंने संदेश दिया और योग साधना के लिए कहा तो उन्हें भी अच्छा गोपियों को नहीं लग रहा है। नेक्स्ट लाइन, सु तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने न कभी सुनी न देखी और न कभी इसके व्यवहार करके ही देखा था। गोपियाँ कहने लगी, उदो तुम तो यह योग साधना का संदेश तुम लोगों को उन लोगों को दो जिनके हृदय में भटकन है, जो भटक सकते हैं, जिनकी आस्था एक जगह नहीं टिकती है, अर्थात मेरी साधना तो श्री कृष्ण में टिकी हुई है। नेक्स्ट लाइन, यह तो सूर तिन ही लो सौंपो तिन जिनके मन चक्री, हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण की दीवानी हैं और हमें युग साधना की
योग साधना की क्या आवश्यकता है और हम योग साधना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन हैं जो इसमें से छांटने के लिए भी आ सकते हैं। गोपियाँ अपने को हारेल की लकड़ी क्यों कहती हैं? गोपियाँ, तो इसका उत्तर है गोपियाँ कृष्ण को हारेल लकड़ी के समान अपना अटूट अंग मानती हैं। जैसे हारेल हर हाल में तिनके को अपनी चोंच में लिए फिरता है, उसी प्रकार गोपियों को दिन रात अपने हृदय में श्री कृष्ण को रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण के वियोग में गोपियां बावली क्यों हो गई हैं? वे दिन रात कृष्ण के नाम को रट लगाए रहती हैं, इसलिए वो बावली हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धव के मुंह में योग की बातें गोपियों को कैसी लगती हैं? तो उद्धव के मुंह में योग की बातें सुनकर गोपियों को ऐसा लगता है मानो उन्होंने कड़वी ककड़ी खा ली हो, और यह योग की बातें उन्हें बुरी लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। हारिल की लकड़ी का क्या अर्थ है? लिखिए, हारिल की लकड़ी का अर्थ है जीने का सहारा या अनन्य लगाव। तो नेक्स्ट पद्यांश जो आपका लास्ट वाला है, फोर्थ, वो स्टार्ट करूँगी मैं। हरि है राय नीति पढ़ाए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जान तो उनकी, जो संदेश पठाए। ऊदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाए पाहिए, चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीत करे आपुन, जे और अनीत छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर्यो प्रजन जाहे सताए। तो हम इसका पहले कठिन शब्दों का अर्थ लेंगे। हरि मने कृष्ण, पढ़ियाए यानी सिखाए, मधुकर यानी भौरा होता है। मधुकर माने जो फूलों पर मंडराता रहता है, भौरा। होते माने थे, पठाए माने भेजे, आगे माने आगे के यानी पहले के, पर हित यानी दूसरों की भलाई, डोलत धाए यानी दौड़ते फिरते हैं, फिर पाइए माने फिर से पा लेंगे, अनीति माने अन्याय, अपन माने खुद, जे माने जो, जाहि सताए माने सताया जाए। तो फर्स्ट लाइन का अर्थ पहले, हर है राजनीति पढ़ाए। यह गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव लगता है श्री कृष्ण ने तुम्हें राजनीति पढ़ा दी है, जो तुम राजनीति पढ़कर आए हो। अरे भौरे उद्धव, मैं तुम्हारी बात कहते सुनते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। हम सब समाचार जान गई हैं। समझी बात कहते मधुकरी के समाचार सब पाए, हम कृष्ण की छल भरी राजनीति भी समझ गए हैं। अरे भंवरे, यानी उदों को यहाँ पर भंवरे भंवरा कहा गया है। एक तो तुम पहले से ही चतुर चालाक थे, अब तुम अपने गुरु श्री कृष्ण से जो राजनीति ग्रंथ पढ़कर आए हो, छल कपट का, वो तुम्हारी बात से झलक रहा है, छल कपट। बड़ी बुद्धि जाने तो उनकी, जोग संदेश पठाए, और उन्होंने पहले से बुद्धि यानी चतुर्वान थे, तुमने पहले से और श्री कृष्ण का संदेश लेकर हम लोगों के पास आए हो। ऊदों भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। वाह, हम कृष्ण की बुद्धि बड़प्पन भी मान गए हैं। अब अपने मन फेर पाए के, चलत जो होते चुराए। उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। ते क्यों अनीत करे आपुन, ते और अनीत छुड़ाए। ते क्यों अनीत करे आपुन, ते जो अनीत छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहे सताए। तो इन्होंने हमारी योग साधना का संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। उन्हें लगता है कि हम योग साधना की सुनकर श्री कृष्ण को भूल जाएंगे, ये तो उनकी मूर्खता है। उद्धव, पहले बड़े लोगों की यह रीति होती थी कि औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, परंतु अब ना हमें तुमसे विश्वास है न कृष्ण पर। चलो कम से कम हमें हमारे मन में वापस तो मिल जाए, हमारा मन तो वापस मिल गया जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा ले गए थे। ये उन्होंने संदेश भेज दिया श्री कृष्ण नहीं आएंगे, तो कम से कम मेरा मन हमारे पास तो है।
परंतु हमें ये समझदारी समझ नहीं आता है कि श्री कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते हैं, वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों किए जा रहे हैं? वे हमें अपना प्रेम देकर योग साधना का संदेश आपके द्वारा क्यों भेज रहे हैं? तो आगे राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताई। सूर के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया न जाए। अतः श्री कृष्ण को चाहिए कि वे योग साधना का संदेश वापस ले जाएं और अपने दर्शन दें। तो यहाँ पर इसके प्रश्न जो हैं उनको मैं पढ़ूंगी। पहले गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति के प्रकांड पंडित हो गए हैं? तो गोपियाँ कृष्ण से आशा कर रही हैं कि उनसे आकर मिलेंगे, परंतु उन्होंने तो उन्हें वैराग्य के और योग साधना के भुलावे में डाल दिया है। प्रेम की दीवानी गोपियाँ उनकी चालाकी और समझदारी को समझ गई हैं। लेकिन गोपियों ने ऐसा क्यों लगता है कि वे अपना मन वापस पा सकती हैं? गोपियों को लगता है कि योग वैराग्य उन कृष्ण से मोह छूट जाएगा, इस प्रकार कृष्ण के प्रेम में रगा मन उन्हें वापस मिल जाएगा। प्राचीन राजाओं को भला बताकर गोपियाँ क्या बताना चाहती हैं? प्राचीन राजाओं को भला बताकर वह कहना चाहती हैं कि प्रजा के हित के लिए मारे मारे फिरते थे। यह कहकर वो बताना चाहती हैं कि कृष्ण ने उन्हें प्रेम के बदले योग साधना का संदेश अच्छा नहीं भेजा। अगला नेक्स्ट, गोपियों ने सच्चे राजधर्म को कैसे परिभाषित किया? तो सच्चा राजधर्म वही है जिसमें प्रजा को दुख न हो। नेक्स्ट, ते क्यों अनित करे आपोन जे जो अनित छुड़ाए, में व्यंग क्या है? तो इसमें कृष्ण पर व्यंग के उन्होंने किया है। उन्होंने जीवन भर औरों के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया है, परंतु अब वे स्वयं प्रेम न रखकर उनके साथ में अन्याय कर रहे हैं। तो ये आपका चैप्टर पूरा, सेकेंड पार्ट पूरा ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर अगले नेक्स्ट चाहिए।